जितेंद्र, देखिए मैं एक उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे बोलना चाहती हूँ कि 2017 के बाद जितनी निडरता, जितने अधिकार, जितनी सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान के साथ मैं उत्तर प्रदेश में घूमती हूँ वो मेरा दिल जानता है। मैंने 2017 से पहले का भी उत्तर प्रदेश देखा है। तो देखिए वो वोटर भी मनन करें जिन्होंने आज तक उत्तर प्रदेश को ऐसी विधर्मी सरकारों के हाथ में रखा है, जो ये कहते हैं बलात्कार अगर लड़के कर देते हैं कोई बात नहीं, लड़कों से गलती हो जाती है, ऐसे लोगों को आपने सत्ता में रखा है। देखिए गैंगस्टर्स, रेपिस्ट और बड़े बड़े अपराधी रातों रात नहीं बनते हैं जितेंद्र। 17 से लेकर 20 तक में 3-4 सालों में पाल नहीं दिए योगी जी ने अपराधी। ये अपराधी उत्तर प्रदेश में दशकों से पाले गए हैं पॉलिटिकल राजनीतिक संरक्षण में, एंटी भारत मानसिकताओं के संरक्षण में। तो उनको साफ योगी जी कर रहे हैं, मुझे हमारे माननीय योगी जी के ऊपर पूरा भरोसा है और वो भरोसा मेरा बार बार उनके ऊपर रीजनरेट हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं आग बंद करके किसी के ऊपर भरोसा कर लेती हूँ। तो मैं वॉच करती हूँ जितेंद्र, जब वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने वो भगवा रंग पहनना नहीं छोड़ा तो मेरा वो भरोसा उनके ऊपर रीजनरेट हुआ, दोबारा भरोसा हुआ। जब वो आज की डेट में भी भगवा और चप्पल पहन के जाते हैं मेरा भरोसा उन पर, ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, 23 करोड़ लोग, हमारे भारत की सबसे बड़ी स्टेट, वो भी आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी काट सकते हैं। वो भी सोच सकते हैं कि जितने टाइम चीफ मिनिस्टर हूँ कमा लूँ, फिर किसने देखी है। जो आदमी बिल्कुल उन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के आपकी सेवा करने में लगा है एक विजन के साथ, ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के लिए सोच के काम कर रहा है, उसके साथ आप खड़े नहीं हो पाते हैं। आपको कोई भी आके कास्ट में बांट देता है, आप एकदम दलित सवर्ण हो जाते हैं। आप एक नेशनल आइडेंटिटी की तरह, एक हिंदू की तरह, एक इंडियन की तरह, भारतीय की तरह क्यों नहीं सोचते हैं? नरेंद्र मोदी जी 70 साल के हो रहे हैं, कब तक वो 135 करोड़ लोगों का वजन अपने कंधों पर लेके चलेंगे? कब तक आप सोचते हैं कि अकेले योगी जी आपको बचा लेंगे? उस जिम्मेदारी को हमें पहचानना पड़ेगा जितेंद्र, हम लोगों को जागना पड़ेगा। ये बहुत भारत की खुशकिस्मती है, भारतीयों की खुशकिस्मती है कि हमें ऐसे हीरोज भेजे गए हैं जो हमें जगा रहे हैं। तो हमें वो जागरण करना है और अपने आप में ये मनन करना है, प्रॉमिस करना है अपने आप से कि हम दोबारा नहीं सोएंगे।